नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 7 मिनट में सासाराम। नोखा के बराव गांव में आज जमीनी विवाद में एक दो परिवारों के बीच जम के मारपीट हुई, जिसमें 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों के बारे में बताया जा रहा है कि घायल का नाम रंगलाल राम, तेतरा देवी और मिठाई राम है, जिनको इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के 8वें चरण की गिनती कल की जाएगी। रोहतास जिले के कोचस और डेहरी ब्लॉक में चुनाव 8वें चरण में हुआ था। दोनों प्रखंड की गिनती कल सासाराम के तकिया बाजार समिति में होगी, जिसके लिए व्यापक इंतजाम जिला प्रशासन द्वारा पूरी कर ली गई है। सासाराम के बैजला में कार की चपेट में आने से आज एक व्यक्ति घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि घायल व्यक्ति का नाम राजवंश राम है, जो कि अगरेड थाना के मोकर गांव का रहने वाला है, जिसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। गेहूं की बुआई का समय आ गया है, ऐसे में पूरे जिला में खाद कहीं भी नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से किसान दर दर भटक रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। किसानों की माने तो उनका खेत खराब हो रहा है, लेकिन 2 गुने दाम पर भी खाद देने को कोई तैयार नहीं है। जिला प्रशासन भी इस मामले में चुप्पी साधे हुई है और किसान आए दिन अपने जनप्रतिनिधियों के यहाँ पहुंच रहे हैं ताकि कोई उपाय हो सके, लेकिन कोई भी उपाय उन्हें सूझ नहीं रहा है। और नोखा थाना के सुंभा गांव में कल एक लड़के का शव बरामद हुआ है, जिसमें परिवार ने बताया था कि उसकी हत्या की गई है। आपको बता दें कि मृतक जो लड़का लेवड़ा गांव का रहने वाला था, जो कि 2 दिन पूर्व से ही घर से गायब था। परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं, लेकिन पुलिस पूरी मामले की जांच में जुटी हुई है। अभी तक किसी भी तरह का कोई खुलासा नहीं हो पाया है। करघर प्रखंड के बभनी पंचायत के वार्ड नंबर 8 से प्रत्याशी भदई राम की मौत हो गई है। जिला अधिकारी के निर्देश अनुसार करघर के निर्वाची पदाधिकारी ने जब सुवार्ड का चुनाव रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि करघर में 8 दिसंबर को चुनाव होने वाला है, लेकिन उस वार्ड का चुनाव अब किसी अन्य तिथि को कराया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप बन रहिए हमारे साथ, हम फिर कल मिलेंगे इसी समय पे। तब तक के लिए देखते रहिए 7 मिनट में सासाराम। धन्यवाद।